मल तो बाहर लगा था ना, पानी तो अंदर से पीना था, क्या देर परेशानी थी। कोई नहीं पिएगा, कहेगा भाई पानी नहीं चल जाएगा, पर ये गंदा ग्लास नहीं दो। ग्लास सोने का था, पर सोने के ग्लास में एक एक कण गोबर लगा था, वह तो तुम्हें मल दिख रहा था। फिर 9 महीने जिस मल में तुम रह के आए हो, वही खाया, वही निकाला, वही सब कुछ किया, वही सांस ली, सब कुछ वही करते रहे, वहाँ की दुख की याद क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ तो फिर भी कह पा रहे हो कि नहीं ग्लास बदल के लाओ, ग्लास में गंदगी लगी है। फिर तुम पे जो गंदगी लगी थी, तुम जो मल में थे, गंदगी में थे, तब तो कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, बस गूंगे बहरे बनकर सब छील रहे थे। सोचो विचार करो, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं दौलत राम जी अगले 14 नंबर के छंद में, क्योंकि कर्म जोगते नरगति लहे, नरगति तो मिल गई पर नरगति के भी दुख कैसे है, उसका बयान यहाँ पर किया जा रहा है। जिनको याद है वह साथ में पढ़ने का प्रयास करे, पहली ढाल के 14 नंबर के छंद को। जननी उदर बस्यो नवमा, अंग सकुचते पाहित्रा, निकसत जे दुख पाए घो, तिन को कहत न आबे और। कितने ज्ञानी हैं, एक एक शब्द हमने रट के रखा है, नहीं रटा माँ, रट के तो सब रखा है। और मैं तो कहता हूँ कैसी माँ है, कैसी माँ है, कैसी माँ है, इनने तो कभी वह दुख देखा नहीं, दुख अनुभूत नहीं किया, आपने तो वह जनन का दुख, जन्म देने का दुख स्वयं अनुभूत किया है, फिर भी उससे बचने का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, बचने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, मात्र और मात्र चंद समय के इंद्रिय विषय इंद्रिय भोगों के पीछे माँ 9 महीने तक वजन ढोने के लिए तैयार रहती है। वह 9 महीने वजन ढोने के बाद पुनः जन्म देने के दुख को भी भोगने के लिए तैयार होती है, एक नहीं दो नहीं कई बार वो दुख भोगने के लिए तैयार है चंद इंद्रिय सुख के पीछे। इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र आप इंद्रिय सुख भोगो और बच्चों को जन्म नहीं दो, आज की वह माँ सर्पिण है, बुरी नहीं मानना, और मान जाओ सो बहुत अच्छी बात है, कम से कम सुधार ही कर लो। आज की माँ तो वह स्वान और सर्पिण से भी गई बीती है, जो बच्चों को ही गर्भ में ही टुकड़े करके फेंकवाती है। आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जो गर्भपात कराता है कृतकारी तन्मोदना से, उसको जन्म भर जीवन भर तक सूतक लगता है। अगर धोखे से भी कभी किया हो, करने वाले को अनुमोदना की हो, तो उसके लिए प्रायश्चित अवश्य ले लेना, जीवन भर का सूतक लगा है। अरे तुमने साक्षात पंचेंद्री जीव का मर्डर कर दिया है, आज कोई कह दे तुम्हें कि ये ऐसे पिता है जिन्होंने एक का मर्डर किया है, अच्छा लगेगा आपको? कोई आपको मर्डर करने के नाम पे सम्मानित करेगा तो अच्छा लगेगा? फिर उस गर्भ का तो तुमने गर्भ में ही जन्म लेने से देने से पहले ही मार दिया, कितना बड़ा मर्डर किया, कितने बड़े आप वह मर्डर करने वाले कहलाए। सोचो विचार करो, वो सर्पिणी अच्छी क्यों कहा माँ, पता है? सर्पिणी को अच्छा आपसे क्यों कह रहा हूँ पता है? वे सर्पिणी उस बच्चों को कम से कम जन्म देने के बाद जब भूख लगती है तब खा जाती है, और आज की इंसान की माँ ऐसी है जन्म देने से पहले ही पेट में टुकड़े करके खा जाती है। कैसी निर्दयी माँ है, और किस बात की माँ है? कभी स्वप्न में भी माँ, कभी स्वप्न में भी गर्भपात करने का सोच मत लेना। भले ही वर्तमान के शासन को भूत चढ़ा है, पागलपन छाया है, वे कितनी फैमिली प्लानिंग की बातें करते हैं, अरे फैमिली प्लानिंग की बातें क्यों कर रहे हो, वासना का प्लानिंग करो ना। फैमिली प्लानिंग क्यों कर रहे हो, जिसका पुण्य है वो जन्म लेगा। अरे तुम्हें अपने आप पर, अपने बम्बा विषय कषायों पर ही कंट्रोल नहीं है, उन जीवों को जन्म देने से क्यों वंचित कर रहे हो, उनको क्यों मार रहे हो, अपनी वासनाओं को मारो ना।
वो श्वान व सर्पिणी अच्छी, बिल्ली अच्छी, वो जन्म के बाद खा जाते हैं, आप तो जन्म भी नहीं देने देते उसको, तो संसार को देखने भी नहीं देते। ठीक है, उस जीव का पाप का उदय था, कर्म का उदय था, सब नियोग संयोग सब ठीक है, पर उसका तो उदय आया, निर्जरा हो गई, तुमने तो बंद आश्रय कर लिया आने वाले समय के लिए, ये क्यों भूल जाते हो? कभी मत करना, कभी मत करना। करना क्या, स्वप्न में कभी विचार भी मत करना करने का, कृतकारिता अनुमोदना से पूर्ण रूप से त्याग कर लो। हाँ, ये पंचेंद्रिय को मारने का पाप लगेगा तो सीधा सीधा जीव नरक निगोद के अलावा अन्य कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जननी उदर वस्यो नवमास, जननी उदर वस्यो नवमास, 9 माह तक जननी के उदर में मल के पिंड के साथ झूठन खाते हुए कैद में रहा। आज का कैदी उस जेल में रहता है, आजकल तो VIP ट्रीटमेंट शुरू हो गई, मैंने सुना जेल में भी VIP कमरे होते ना, AC कमरे, AC जेल, TV और वॉशिंग मशीन सब कुछ मिल जाता है जेल में। वो तो फिर भी पुण्यात्मा था जो जेल में कैदी बैठा है, पर तुम अपनी सोचो, 9 महीने वहाँ कुछ नहीं मिला, ना गर्मी, ठंडी, मल, सब कुछ भोगता रहा। उस जेल में रहने वाले कैदी को फिर भी एक कमरे से दूसरे कमरे में इधर उधर जाने का स्थान मिलता है, तुम्हें तो 9 महीने कहीं हिलने डुलने का ही जगह नहीं मिली, कहीं हिलने डुलने की भी जगह नहीं मिली। अंग सकुचते पाई त्रास, ऐसे जो संकुचित करके तुम रहे, जैसे थे वैसे ही रहे। जैसे आप लोग भी रात में सोते तो होंगे ना, नहीं सोते? रात में सोते हैं, उठते हैं तो कैसी अंगड़ाई लेते हैं? जो मज़ा अंगड़ाई लेने में आता है वो मज़ा सोने में नहीं आता। सोने के बाद जो पूरी खींच के अंगड़ाई ली जाती है, वहाँ तो कोई 9 महीने तक सीधे ही नहीं कर पाए, ना हाथ ना पैर। जैसे संकुचित होके थे वैसे ही 9 माह तक माँ के गर्भ में रहना पड़ा। सबकी बात चल रही है, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा। जितनों ने जन्म लिया है इंसान बन के, सब ने माँ के गर्भ से ही लिया है, और लगभग लगभग सभी ने 9 माह तो कम से कम दुख भोगे ही भोगे हैं। विरले ही पुण्यात्मा होते हैं, विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो 7 महीने ही माँ के गर्भ से 7 महीने में ही निकलते हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, आसाद भगवान विमल सागर जी ऐसे पुण्यात्मा थे कि वे 7 मासे थे, नारायण श्री कृष्ण जैसे 7 मासे थे, ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर विमल सागर जी भी 7 मासे थे। ऐसा आगम में कहा जाता है जो जितना जल्दी गर्भ से बाहर है वो उतना जल्दी सम्यक को प्राप्त कर लेता है, और यही पुण्य का प्रताप था कि वे 7 मासे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी थे, और उसका ही उनके वह सम्यक और पुण्य का प्रताप था कि आज वह अपनी प्रभा और अपने ज्ञान को पूरे विश्व में व पूरे भारत में फैला रहे हैं। ये पुण्यात्मा का लक्षण होता है, और जो पापी है वे तो 10-11 पता नहीं आजकल क्या क्या होता है। सोचो विचार करो, जननी उदर पस्यो नवमास, अंग सकुचते पाई त्रास। ये मत कह देना सोम सागर जी कि आजकल तो सब कुछ वो कांच के पेटी में हो रहा है। वे कह रहे महाराज जी आज तो ऑपरेशन से होता है, पेटी से होता है, त्रास तो उतना ही है, चाहे माँ के मांस खाड़ में फंसे हो, चाहे कांच के पेटी में हो, वह जितना स्थान वहाँ होता है बिल्कुल वही। आप चाहे जो डॉक्टर मिले उनसे पूछ लेना, जो रचना गर्भालय की होती है, गर्भाशय की होती है, बिल्कुल वैसी ही रचना उस कांच की पेटी की, बिल्कुल वही वातावरण, वही एनवायरनमेंट, और बिल्कुल सब कुछ वही बनाया जाता है, तभी गर्भ पलता है, नहीं तो वह बाहर आके मरता है। ये खुश मत हो जाना, हम तो कांच के पेटी में जन्मे हैं, हम तो ऑपरेशन से जन्मे, भूल नहीं करना। दुख तो उतना ही होता है, उतना ही होता है, उतना ही होता है जितना पहले होता था, कोई अंतर नहीं है। प्रकार बदल सकता है, दुख का तरीका बदल सकता है, पर दुख में कमी किसी प्रकार से नहीं है। निकसत जे दुख पाए घोर,
निकलते समय भी बच्चे को दुख, माँ को तो ठीक ही है। जब हम भी निकले थे, आप भी निकले थे, उस समय सोचो इतनी सी जगह से वह जीव खींच कर बाहर आ रहा होगा, कितना कितना दर्द और कितनी तकलीफ हुई होगी। ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं राजा भैया बुंदेलखंड में, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट के दिन आते हैं, तब ऐसे कहते हैं, मैंने सुना है, अरे ये कौन सा दुख है आज, ये बहुत छोटा सा दुख है, तुम तो भय की याद करो, भय की याद आ जाए ना तो भय मिट जाए, ऐसे ही कहते हैं ना, भय की याद आ जाए तो भय मिट जाए। पर वो भय की भूल जाते हैं, सो हम दूसरों को तो भयभीत करते हैं और अपना भय भूल जाते हैं। याद करो, याद करो, याद करो गोटू भाई, भय की याद करो। जब भय थे तुम और हम, जो जितने भय थे, कितना दुख भोगा था, उसको एक क्षण तो याद कर लो। पर नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, तिनको कहत न आवे और। उसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, इतने दुख, इतने दुख, इतने दुख है कि उसका बखान करना संभव नहीं है। क्योंकि जो अनुभव करता है दुखों का, वो ही जानता है कि दुख क्या होता है और कैसे होता है। अभी अभी महामारी में जिन जिन को वह बीमारी हुई थी, उनको ही पता है कि बीमारी क्या होती है, कोरोना क्या होता है, दुख क्या होता है। ऐसे भी तो कहते हैं, जिनके पांव फटे ना बीमारी, बोलो ना कितने ज्ञानी आप, तो छतरपुर के ज्ञान टपकता है। जिनके पांव फटे ना बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। ऐसी स्थिति है, पराई पीर नहीं, अपनी पीर को जान लो, अपनी पीर, अपने दर्द को जान लो। ये सब 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 दुख हमने आपने मिलके भोगे हैं, किसी ने आज, किसी ने कल, किसी ने परसों, किसी ने नरसों, आगे पीछे सबका जन्म हुआ है और सबने 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 यही जन्म के और गर्भ के दुख भोगे हैं, मनुष्य पर्याय में भी। फिर सोचो, जन्म के पहले इतने 9-9 महीने हमने दुख भोगे हैं, जन्म के बाद क्या दुख होंगे, जन्म के बाद भी दुख मिले, कैसे और कैसे दुख भोगे, उसको कल समझेंगे। क्या करें, घड़ी का समय जल्दी जल्दी हो जाता है, घड़ी का समय जल्दी जल्दी हो जाता है, ऐसी घड़ी और समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कब भय थे, कब भय थे और कब का भव, कछु नहीं पता। कब जन्म हुआ, कब बचपन हुआ, कब बचपन के भी हुए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय करो। 9 महीने की कैद बहुत 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 कठिनाई से बिताई है। 1, 2, 4, 6 महीने की कैद होती है, 15 दिन की कैद होती है, तो व्यक्ति तड़पता है, सोचता है, विचार करता है, कब निकलूँ घर से, कब निकलूँ कैद से। सबने अनुभव तो किया ही होगा ना, कोरोना में, लॉकडाउन में कितनी लट घलवे की डर थी, पर फिर भी भगत तो आदमी बाहर, तो ना घूम ही आए 10 मिनट, छत से देखता, चलो पुलिस चली गई तो मंदिर ही के बहाने निकला है, कहीं से बहाने निकला है। जब 2-4 महीने की वो लॉकडाउन की कैद ऐसी थी, जबकि घर था, मकान था, टीवी थे, मोबाइल थे, सब साधन थे, फिर भी 2-4 महीने की वो लॉकडाउन की कैद हम झेल नहीं पाए थे, कहीं ना कहीं से बाहर निकले याद थे। फिर सोचो, 9 महीने लगातार माँ के गर्भ में कैसी कैद झेली होगी, कैसे दुख भोगे होंगे, मात्र फड़फड़ाते रहते होंगे, निकलने की कोशिश करते रहते होंगे, पर निकल नहीं पाते थे। चंद दिनों की, चंद महीने की लॉकडाउन की कैद हमारे लिए ऐसी थी, फिर 9 महीने की कैद और उसका दुख कैसे कहा जा सकता है। तिनको कहत न आवे और, अंत नहीं है उसके, किसी प्रकार से उसका कहने का अंत हो ही नहीं सकता, कहा ही नहीं जा सकता, बस इतना ही दुख है, दुख 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 दुख। मात्र दुख के अलावा गर्भ में, जन्म में, जन्म के बाद मनुष्य पर्याय में भी दुख और दुख भोगा है। जाओ माताओं, समय हो गया है भोगने का कि दुख भोगने का। ये तो भोगते आए हैं, तथा कथित ये हमारे लिए सुख लगते हैं, पर घर परिवार ये सब दुख के ही निमित्त है। एक एक पई जो हमने
पांच पांच पैसा करके जोड़े हैं, वे धन की तो हमें कीमत है, पर पांच पांच पई करके करके जो पुण्य इकट्ठा किया है, वो पुण्य इकट्ठा करके जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, उसका कम से कम बोध करो, विवेक रखो कि कितनी दुर्लभ पर्याय मैंने मनुष्य की प्राप्त की है, कितनी दुर्लभ देवशास्त्र गुरु की संगति को मैंने प्राप्त किया, कितनी कितनी दुर्लभता से मैंने ये सब कुछ प्राप्त किया। कम से कम अभी समझो, अभी समलो, क्या पता क्या पता कल किसका कैसा क्या समय आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। बहुत थोड़ा समय बचा है छठे काल में जाने से। जाना है ना माँ, छठे काल में जाना है आप लोगों को? नहीं जाना है तो विचार कर लो, निर्णय कर लो, यही पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे धर्मात्मा मिलेंगे। छठे काल में धर्म, धर्मात्मा, देव शास्त्र गुरु कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मनुष्य भी बनोगे, मनुष्य भी बनोगे तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा खा जाएगा, वह ऐसी पर्याय मिलेगी छठे काल में। नहीं जाना है तो अभी 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 निर्णय कर लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जाओ दुकान खोलने हैं पापों की, शटर खोलने हैं नरकों की, अब निर्णय कर लेना है। हड़ताल है तभी इतने सारे बैठे, मैं सोच ही रहा था काय आप ज़्यादा हो गए आज, कछु नहीं कितने ही हड़ताल होए, वे हड़ताल मात्र तनक समय तक चलत है। बाजार की भी हड़ताल हो, चाहे घर की हड़ताल हो, कहीं की हड़ताल हो, तनक समय तक चलत है। दो चार छः घंटे में देख लेते हैं, उनने खोल ली अब हम भी खोल लें, ऐसे नहीं होता? उनने खोल ली सो हम भी खोल दे, अब उनने खोल ली सो हम भी खोल दे, उनने पाप की दुकान खोल ली सो हम भी नरकों की दुकान खोल दे। जाओ समय हो गया है, निर्णय कर लो हमें कहाँ जाना है। इंसान बन के भगवान बनना है कि इंसान बन के हैवान बनना है, निर्णय और कार्य आपके ही हाथ में है, समय आपके हाथ में है। जो समय मिला है, जो पर्याय मिली है, उसका सदुपयोग करें और वह जन्म के बाद के मनुष्य पर्याय के भी दुखों को कल पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि आज का समय अपना पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।